हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मूविंग कोइल माइक्रोफोन या डायनेमिक माइक्रोफोन। मूविंग कोइल माइक्रोफोन, उसको डायनेमिक माइक्रोफोन भी बोलते हैं। मूविंग कोइल माइक्रोफोन में कोइल का यूज होता है जो मूव करती है। इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल है, जब साउंड वेव डायफ्राम के ऊपर स्ट्राइक करेगी, और डायफ्राम से कोइल अटैच है, तो साइन वेव जब डायफ्राम के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो क्या मूव होगा? डायफ्राम मूव हो जाने से कोइल भी मूव होगी। तो साउंड वेव जब कोइल को मूव कराएगी, और कोइल किस में रखी हुई है? कोइल रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होगा कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कोइल से पास हो रहा है वो चेंज होगा, जिसके कारण EMF इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कोइल से जो पास हो रहा है, जिसके कारण EMF इंड्यूस होगा। EMF इंड्यूस होगा, या अपन कह सकते हैं कि इसका जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो ही बनेगा, EMF बनेगा, वो उसका माइक्रोफोन का आउटपुट बनेगा। ये इसका प्रिंसिपल है। अब इसकी हम वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया हुआ है। परमानेंट मैग्नेट है ये, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड प्रदान करता है। यूनिफॉर्म इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में हमने कोइल लगाई हुई है। ये कोइल है, और कोइल को डायफ्राम के साथ अटैच किया हुआ है। ये कोइल डायफ्राम के साथ अटैच है, और डायफ्राम जो बना है वो थिन सर्कुलर शीट है, पतली सर्कुलर शीट है, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, और लाइट वेट है इसका। और ये स्प्रिंग डायफ्राम के साथ अटैच है, और ये प्रोटेक्टिंग कवर लगाया हुआ है। यहाँ पर हमने ये जो लाइनें, ये देख रहे हो आप, ये जो लाइनें हैं वो सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ का पार्टीशन है, ताकि अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर को सेपरेट कर सके। और यहाँ पे ये पोल पीस कहलाता है, ये पोल पीस है। यहाँ पर इसकी वर्किंग देख लेते हैं हम। जब साउंड वेव इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी, डायफ्राम से टकराएंगी, तो डायफ्राम के टकराने से क्या होगा कि डायफ्राम के साथ जो ये जो कोइल अटैच कर रखी है, तो कोइल क्या करेगी? मूव इन और मूव आउट करेगी, मतलब कोइल मूव करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कोइल मूव करेगी क्योंकि डायफ्राम के साथ अटैच है, तो डायफ्राम के ऊपर दबाव डलेगा साउंड वेव का। तो साउंड वेव का दबाव डलने से डायफ्राम के साथ जो कोइल है वो मूव करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोइल मूव इन और मूव आउट होती है। मूव इन मूव आउट हो जाने से कोइल क्या हो जाता है? कोइल जब मूव करेगी तो क्या होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस यहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा कोइल से, वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो अपन कह सकते हैं कि EMF इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाने से EMF इंड्यूस होता है कोइल में EMF इंड्यूस होगा। तो जो इंड्यूस वोल्टेज है वो कितना होगा? d phi बटे dt या d psi बटे dt, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कितना होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही इंड्यूस वोल्टेज होगा कोइल में, और वो होता है बी इंटू चेंज ऑफ एरिया पर सेकेंड। बी क्या है? बी है फ्लक्स डेंसिटी इंटू चेंज ऑफ एरिया पर सेकेंड, वो होता है इंड्यूस वोल्टेज। और चेंज ऑफ एरिया पर सेकेंड क्या है? चेंज ऑफ एरिया है पर सेकेंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इंटू डिस्टेंस मूव पर सेकेंड, ये है चेंज ऑफ एरिया पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला क्या बना इंड्यूस वोल्टेज का? कोइल के अंदर जो इंड्यूस वोल्टेज हुआ है, वोल्टेज पैदा हुआ है, वो EMF बराबर जो E है वो है फ्लक्स डेंसिटी इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ कोइल जो मीटर में है। फ्लक्स डेंसिटी किस में होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक, या टेस्ला भी बोल सकते हैं, टेस्ला वेबर पर, या वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू ये इसका जो मात्रक होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर का, वो मीटर में होता है, ये मीटर में होता है। और ये वी क्या? वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस मूव्ड पर सेकेंड, ये क्या बन गया? वेलोसिटी। और वेलोसिटी किसकी है? डायफ्राम की। डायफ्राम की वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। तो ये होता है बी इंटू एल इंटू वी बराबर इंड्यूस वोल्टेज। ये इक्वेशन फर्स्ट बनी। तो इस इक्वेशन के ऊपर इसकी वर्किंग होती है। तो जब साउंड वेव डायफ्राम के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, तो डायफ्राम के ऊपर स्ट्राइक करने से कोइल मूव करेगी, कोइल मूव करने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो उसके कारण EMF इंड्यूस होगा। तो EMF इंड्यूस है, वो E कितना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी इंटू चेंज ऑफ एरिया, एरिया में कितना चेंज हुआ पर सेकेंड, और एरिया में कितना चेंज हुआ वो लेंथ ऑफ
कंडक्टर होता है और इंटू डिस्टेंस मूव पर सेकेंड, या लेंथ इंटू वेलोसिटी इंटू फ्लक्स डेंसिटी, वो होता है इंड्यूस वोल्टेज। ये होती है इसकी मूविंग कोइल माइक्रोफोन की वर्किंग। इस कहने का मतलब साउंड वेव से हमको किस में कन्वर्ट हो गई, वोल्टेज में। जिस हिसाब से साउंड वेव का प्रेशर वेरिएशन है उस हिसाब से वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो अपन कह सकते हैं कि साउंड वेव किस में कन्वर्ट हो गई, ये वोल्टेज में इंड्यूस वोल्टेज पैदा हुआ है, तो साउंड वेव किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये माइक्रोफोन की वर्किंग है। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम में इसका एप्लीकेशन का यूज़ होता है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम करके पूरा चैप्टर है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम में इसका यूज़ होता है, ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में इसका यूज़ होता है। यहाँ पे दो एप्लीकेशन लिखी हुई है, ब्रॉडकास्ट स्टूडियो और पब्लिक एड्रेस सिस्टम में। ये है मूविंग कॉइल माइक्रोफोन की वर्किंग। थैंक यू।